यह है बीकानेर गुवाहाटी एक्सप्रेस ट्रेन एक्सीडेंट के बाद का दृश्य। 13 जनवरी को तकरीबन शाम 5 बजे जब यह ट्रेन पटरी से उतर गई तो हर तरफ अफरा तफरी थी। 12 रेल के डिब्बे पटरी से उतरे हुए पड़े हुए थे। हड़कंप मचा हुआ था, लोग चीख रहे थे, चिल्ला रहे थे। रेल के डिब्बे एक दूसरे के ऊपर चढ़ गए थे जिनमें लोग फंस गए थे। चारों तरफ से तमाशबीन इकट्ठा हो चुके थे, लेकिन इन लोगों के बीच में कुछ लोग ऐसे थे जो ट्रेन हादसे में हताहतों को मदद कर रहे थे। यहाँ पर जो व्यक्ति रेल मंत्री अश्विनी वैष्णव से मुलाकात कर रहा है वह ऐसा ही एक देवदूत है। नीले रंग का मास्क लगाए हुए यह व्यक्ति है पद्मश्री करीमुल हक। जब ट्रेन एक्सीडेंट हुआ तो इन्होंने अपनी मोटरसाइकिल से आधा दर्जन से ज्यादा जख्मी लोगों को अस्पताल पहुंचाने का काम किया। यानी पद्मश्री करीमुल हक ने ऐसे वक्त में लोगों की मदद की जब वहां पर एम्बुलेंस नहीं पहुंच पा रही थी। उन्होंने अपनी बाइक को एम्बुलेंस की तरह इस्तेमाल करके घायलों को अस्पताल पहुंचाया। दरअसल बीकानेर गुवाहाटी एक्सप्रेस हादसा शाम को तकरीबन 5 बजे के आसपास हुआ था। यह ऐसा समय है जिस समय इन दिनों पूर्वी भारत में अंधेरा छा जाता है, यानी चारों तरफ अंधेरा था। लोग चिल्ला रहे थे, चीख रहे थे। यात्रियों की जान बचाने के लिए करीमुल हक ने पूरा जोर लगा दिया। आसपास के इलाके के लोगों ने जो कुछ हो सकता था उस तरह से लोगों की मदद की। हम आपको बता दें, दुर्घटना के बाद रेलवे की भी मदद पहुंची और स्थानीय प्रशासन के साथ साथ बीएसएफ की टुकड़ी भी लोगों को बचाने के लिए पहुंच गई। और 14 जनवरी को खुद रेल मंत्री अश्विनी वैष्णव हादसे की जगह पर पहुंचे और मुआयना किया। उसके बाद रेल मंत्री अस्पताल में घायलों को देखने पहुंचे, जहां पर उन्होंने पद्मश्री करीमुल हक से मुलाकात की। लोगों की जान बचाने वाले इस व्यक्ति की जिंदा दिली को आप यहां पर देख सकते हैं। देखिए उन्होंने रेल मंत्री से क्या बात की। सरकार को जो हाय हाय एक्सीडेंट होता है ना, सबका देखभाल करने का जिम्मेदारी होता है। पूरी तरह से पूरी संवेदना के साथ ये तो, फोटो ले लो। नहीं फोटो तो लूंगा, ये नहीं, मैं छुपा मैं जानता हूँ। साहब का फोन आ गया था मेरे पास। फोन आया ना, साहब का फोन आ गया था। फोटो मत खोलो। अच्छा अच्छा, कोई बात नहीं, सेल्फी ले लो। अरे कुछ कहने नहीं, इंसान का आप इनका डिटेल सब लो सर, इनके हॉस्पिटल के लिए मैं कुछ करना चाहूँगा। हाँ सर, ठीक है, कुछ बात नहीं, पक्का इंसान का सेवा करना सबसे बड़ा धर्म है। मैं आपके हॉस्पिटल के लिए पक्का कुछ करूँगा। ओके सर, ओके। गौरतलब है पद्मश्री करीमुल हक पश्चिम बंगाल के जलपाईगुड़ी के ही रहने वाले हैं। इन्हें स्थानीय लोग इनके नाम से नहीं बल्कि एम्बुलेंस वाले बाबा के नाम से जानते हैं। करीमुल हक पिछले 26 सालों से गरीबों की निस्वार्थ सेवा कर रहे हैं। उन्हें इस काम के लिए केंद्र सरकार ने पद्मश्री अवार्ड से भी नवाजा है। हम आपको बता दें कि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी खुद करीमुल हक के फैन हैं। करीमुल हक बीमार, गरीब, वंचित लोगों को अपनी बाइक एम्बुलेंस से मुफ्त में अस्पताल पहुंचाते हैं। बीकानेर गुवाहाटी एक्सप्रेस ट्रेन हादसे में 9 लोगों की मौत हुई है और 36 लोग घायल हुए हैं। रेलवे ने इसके लिए मुआवजा भी दे दिया है। दुर्घटना की जांच के आदेश भी दे दिए गए हैं और कमिश्नर ऑफ रेलवे सेफ्टी ने मौके का मुआयना भी किया है। रेलवे के कर्मचारियों के बयान लिए जा चुके हैं और मामले की जांच की जा रही है। आने वाले दिनों में पता चलेगा कि आखिरकार यह ट्रेन पटरी से उतरी क्यों और ऐसे हादसे दोबारा ना हो इसके लिए क्या किया जाना चाहिए।
लगा।